आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में दैट वॉट इज़ रिसर्च डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन क्या है जैसा कि मैंने आपको कहा था मैं आपको रिसर्च सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे में सिखाऊंगी वैसे ही बाकी टॉपिक्स की तरह हमारा जो आज का रिस्पेक्टेड टॉपिक है वो भी सिंपल एंड ईजी सा होने वाला है ठीक है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने रिसर्च के तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके रिसर्च के सब लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं तो एनी हाउ आज का जो टॉपिक हमारा वो है रिसर्च डिज़ाइन तो टाइम को वेस्ट किए बगैर इसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं जैसे कि अभी टाइटल देखें रिसर्च डिज़ाइन डिज़ाइन क्या होता है डिज़ाइन कहते हैं एक स्ट्रेटजी को एक प्लान को ठीक है एक मॉडल को जिसको देख के हम लोग फॉलो करते हुए अपने क्वेश्चन के आंसर्स दे, देते हैं या yeah, जनरली बात की जाए अगर हमने एक बिल्डिंग बनानी है हम पहले उसका डिजाइन बनाते हैं यानी कि हम स्टेप बाय स्टेप अपने लिए गाइडलाइन प्रिपेयर करते हैं फिर उसके अकॉर्डिंग हम काम शुरू करते हैं तो वैसे ही अगर हमने रिसर्च करनी है तो हम उसके लिए भी एक डिजाइन बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स करते हैं हम लोग इकट्ठे और उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके हम हमारा आंसर देते हैं तो रिसर्च डिजाइन क्या हुआ बेसिकली रिसर्च डिजाइन फिर एक ऐसी स्ट्रेटजी हुई जिसके ज़रिए हम हमारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं बाय यूजिंग एम्पेरिकल डाटा और एम्पेरिकल डाटा क्या होता है एम्पेरिकल डाटा कहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को रिसर्च करते हुए मिली थी ठीक है कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोगों को रिसर्च करते हुए मिली थी हम उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं और जो स्ट्रेटजी हम फॉलो करते हैं उस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन क्लियर स्क्रीन पे देखें प्लान फॉर आंसरिंग अ रिसर्च क्वेश्चन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा ये क्या रिसर्च डिजाइन है, है. यहाँ मैं कहूँ अ रिसर्च डिजाइन इज अ स्ट्रेटेजी फॉर आंसरिंग योर रिसर्च क्वेश्चन यूजिंग एम्पेरिकल डाटा तो ये भी एक्यूरेट है यहां इसमें ऐसा भी किया जाता है मतलब मैं इसी डेफिनेशन को और ज्यादा एक्सपैंड करके बता रही हूं कि हमने जो स्टडी की होती है जो इन्फॉर्मेशन लिया होता है जो इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होता है हम उसको लॉजिकली और कोहरेंटली इकट्ठा करके स्टेप बाय स्टेप अरेंज फॉर्म में लिखते हैं जैसे कि सेकेंड डेफिनेशन देखें द ओवर आर्किंग अप्रोच यू यूज टू ब्रिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द स्टडी टू लॉजिकली एंड कोहरेंटली इज़ नोन एज द रिसर्च डिज़ाइन और थर्ड डेफिनेशन देखें रिसर्च डिज़ाइन रेफर्स टू द जनरल अप्रोच यू डिसाइड टू यूज़ लॉजिकली एंड कोहरेंटली कंबाइन द वेरियस स्टडी कॉम्पोनेंट कि एक ऐसी जनरल अप्रोच होती है जो कि आप यूज़ करते हो अपने क्वेश्चन के आंसर देने के लिए और वो अप्रोच आपका जो आंसर होता है उसको लॉजिकली और कोहरेंटली कंबाइन कर देती है ठीक है तो ये बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट है रिसर्च डिज़ाइन का और सिंपलेस्ट वे में जो मैं आसान लफ्ज में बताऊँ कि ये एक ऐसी स्ट्रेटजी होती है जिसको आप यूज करते हुए अपने रिसर्च क्वेश्चन के आंसर करते हो और इसमें यह करते हो आप अपने आंसर अपने एम्पेरिकल डाटा के थ्रू देते हो और एम्पेरिकल डाटा क्या होता है वो इंफॉर्मेशन जो कि आपने रिसर्च कर करके गैदर की होती है ठीक है तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आप एज इज बेशक याद कर लें जो कि ईजीएस्ट वन है एंड देन अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने जब रिसर्च डिज़ाइन बनाना होता है तो हमारे रिसर्च डिजाइन बनाने का मतलब क्या होता है मतलब हम रिसर्च डिजाइन में क्या क्या बातों को डिस्कस करते हैं हम रिसर्च डिजाइन में कौन कौन सी बातों को ले आते हैं जैसा कि हम रिसर्च डिजाइन में बताते हैं हमारा ओवरऑल एम्स और अप्रोच क्या है ठीक है हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है फिर उसके बाद हम बताते हैं कि द टाइप ऑफ डिज़ाइन यू विल यूज़ कि आपने कौन से टाइप ऑफ डिज़ाइन जो रिसर्च की यूज़ करनी है क्वालिटेटिव यूज़ करनी है या क्वान्टिटेटिव यूज़ करनी है बेसिकली रिसर्च की दो टाइप्स होती हैं एक क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव दूसरी और फिर आगे से क्वालिटेटिव की भी सब टाइप्स हैं और क्वान्टिटेटिव भी सब टाइप्स हैं तो जब आप रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हो तो उसमें आप ये भी ये चूज़ करते हो कि आपने अपनी रिसर्च के लिए कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना है ठीक है कौन सा जो लाइक uh, अप्रोच like, है वो आपके लिए सूटेबल है क्लियर एंड देन योर सैम्पलिंग मैथड्स और क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग सब्जेक्ट्स योर डेटा कलेक्शन मैथड्स द प्रोसीजर यू यू विल फॉलो टू कलेक्ट डेटा योर डेटा एनालिसिस मैथड्स क्या करते हैं हम लोग जब हम रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं ना उस डिज़ाइन के अंदर हम हमारे वाले सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर करते हैं कि हमारे ओवरऑल एम्स और अप्रोच कौन सी होनी चाहिए हम लोगों ने कौन सी डिजाइन को यूज़ करना है हमारा सैम्पलिंग मेथड क्या होगा क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिव सब्जेक्ट क्या होगा हमारा डाटा कलेक्शन कैसे करेंगे हम लोग हमारा डाटा कलेक्शन का मेथड क्या होगा हमारा प्रोसीजर कौन सा हम फॉलो करेंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए फिर हमारा डाटा एनालिसिस मैथड क्या होगा ये सारा कुछ हम लोग हमारे रिसर्च डिजाइन के अंदर क्लियर कर चुके होते हैं जैसा कि मैंने ऊपर स्टेटमेंट लिखी है क्रिएटिंग अ रिसर्च डिज़ाइन मीन्स मेकिंग डिसीजन अबाउट किन किन के बारे में फैसला लेना इन पॉइंट्स के बारे में फैसले लेना क्लियर तो रिसर्च डिजाइन क्या है उसके एम क्या है आपको क्लियर तो हो चुके होंगे अब हमारे पास होती टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन हमारे पास मेनली दो टाइप्स होती है रिसर्च डिजाइन की विच इज क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बाकी सब उसकी सब टाइप्स हैं डिस्क्रिप्टिव कोरिलेशनल एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल कॉज एक्सपेरिमेंटल क्रॉस सेक्शनल फिर उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी ये सब रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स हैं और हमने इन टाइप्स को सेपरेट लेक्चर में कवर करना है ठीक है तो अभी रिसर्च डिज़ाइन क्या है उसका ओवरऑल एम क्या है आपको क्लियर हो चुका होगा कि मतलब मेन एम तो यही है कि जब आपने रिसर्च करनी है तो आपकी हेल्प हो कि आपने कौन से मेथड्स को यूज़ करना है कौन सा मेथड आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है मोस्ट फिजिबल है कि आप उस मेथड को यूज़ करते हुए अपने क्वेश्चन का आंसर कर सको ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनशाला तला टाइप्स ऑफ रिसर्च की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा कमेंट में अपना ओपिनियन भी शेयर करिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा आपका सिंगल शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टेट यून विद दस टेक केयर